सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं मीवाई 12 पे कुछ अपकमिंग फीचर्स के बारे में जो हमें इंडिया में या फिर ग्लोबल में जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो उसी सभी फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हमारे फ़ोन में ये अपडेट कब तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में दोस्तों आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगा कि कौन कौन से फीचर्स आने वाली है और कब तक देखने को मिलेगी। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड फीचर्स है वो हमें कंट्रोल सेंटर में डाटा यूजर्स की सपोर्ट देखने को नहीं मिला। अगर मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हमें डाटा यूजर्स की सपोर्ट मेरे फ़ोन में देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर पोको X2 या फिर रेडमी K30 बोल सकते हैं आप लोग, वो यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें डाटा यूजर्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये डाटा यूजर वाली सपोर्ट जो है काफ़ी हैंडी फीचर्स है। इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि हम लोगों ने अपने फ़ोन में कितना डाटा को यूज़ किया हुआ है और कितना MB हमारे फ़ोन में बचा हुआ है। तो दोस्तों, ये उनके लिए काफ़ी हैंडी होता है जो लोग अपने फ़ोन में लिमिटेड डाटा को यूज़ करते हैं। तो ये फीचर दोस्तों हमें जल्दी देखने को मिल सकता है ग्लोबल में, इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं एक और फीचर्स की, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर में ही। तो अगर कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो कंट्रोल सेंटर में दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर टाइम और डेट की नोटिफिकेशन आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाता है। उसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन को यहाँ पर लेफ्ट राइट स्वाइप करना नहीं है। आप कंट्रोल सेंटर में अगर रहें तो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाएगा डेट एंड टाइम। अगली अपकमिंग फीचर की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो वो हमें देखने को मिलेगी डार्क मोड। तो डार्क मोड में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को, जब हमें मीवाई 12 की अगली अपडेट फीचर अपडेट जब देखने को मिलेगा इंडिया में ग्लोबल में, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले जो अपडेट मिलेगा उसमें हमें जो इसकी UI है, इसकी UI को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, इसके लेआउट को यहाँ पर चेंज कर दिया गया। तो पहले हम लोग डार्क मोड को इनेबल डिसेबल करते थे, लेकिन आपको यहाँ पर एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप लाइट मोड और डार्क मोड को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और डार्क मोड को चूज़ करने के बाद दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आप लोग कोई यहाँ पर लाइट वाल पेपर को अगर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, जैसा कि मैं यहाँ पर अभी लाइट वाल पेपर को यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस डार्क मोड को इनेबल करेंगे तो डार्क मोड को इनेबल करने के बाद आपकी जो वाल पेपर है वो भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और दोस्तों जैसे ही ऑप्टिमाइज होगी तब आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो और भी यहाँ पर इनहेंस हो जाएगी और भी आपको बैटरी लाइफ जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपके होम स्क्रीन में जो वाल पेपर देखने को मिलता है उसे यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर देगा। जो अपकमिंग डार्क मोड 2.0 की सपोर्ट मिलने वाली है उसमें हमें डार्क मोड में काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें मोड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ और भी यहाँ पर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा और एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड। तो ये दो ऑप्शन को आप लोग इनेबल करेंगे तो हमारा जो ये डार्क मोड जो वॉलपेपर है वो डार्क मोड में चला जाता है, डिम हो जाता है, जिससे हमारे आंखों में स्ट्रेन भी नहीं होता है, हमारी आंखों में थकावट भी नहीं होता और हमारे बैटरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और जो टेक्स्ट देखने को मिलता है उसमें भी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जो एप्लीकेशन है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जब हम लोग डार्क मोड को इनेबल करते हैं तो पूरी तरह ऑप्टिमाइज नहीं, वहाँ पर आप लोगों को जो टेक्स्ट देखने को मिलता है वो ठीक से देखने को नहीं मिलता है। तो इस डार्क मोड 2.0 की जो ऑप्टिमाइजेशन वाली अपडेट मिलेगी उसमें और भी यहाँ पर आप लोग को ऑप्टिमाइजेशन के संग में टेक्स्ट वगैरह काफ़ी क्लियरली आप लोग को देखने को मिलेगा। अगले चेंजेस की दोस्तों बात कर लेते तो वो हमें देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर में। तो कंट्रोल सेंटर की ऑप्शन तो हमें पहले से देखने को मिलता है कि हम लोग कंट्रोल सेंटर को न्यू वाले कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ओल्ड वाले यूज़ कर सकते हैं, न्यू वाले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें न्यू UI देखने को मिल जाता है, बिल्कुल यहाँ पर न्यू लेआउट देखने को मिल जाता है जो दोस्तों देखने में काफ़ी कूल लगता है और एनिमेशन के साथ में आप लोग को यहाँ पर सब कुछ बताता है कि किस तरह से ये न्यू वाली कंट्रोल सेंटर यहाँ पर हमारे फ़ोन में काम करेगा और ओल्ड वाली किस तरह से काम करेगा। तो न्यू तरह के हमें देखने को मिल जाते लेआउट। इसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाना है और सिंपली आप लोग देख सकते हैं आप लोग कंट्रोल सेंटर स्टाइल जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों को टैप कर देना, यहाँ पर न्यू और ओल्ड देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हो सकता है यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें देखने को मिल जाए कि आप लोग लेफ्ट हैंड से अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को स्विच करने का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर स्मार्ट होम की सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को आप लोग स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को स्मार्ट होम के फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसा कि एंड्रॉयड 11 में हमें यहाँ पर पावर बटन को आप लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है स्मार्ट होम को कंट्रोल करने की ऑप्शन। लेकिन उस अगर आप लोग MIUI 12 को यूज़ कर रहे हैं तो MIUI 12 में हमें हमारे कंट्रोल सेंटर में स्मार्ट होम की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगले चेंजेस की दोस्तों बात कर लेते तो हमें देखने को मिलेगा होम स्क्रीन में। तो होम स्क्रीन में जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर तो आप लोग सिस्टम नेविगेशन के नाम से एक न्यू ऑप्शन यहाँ पर न्यू टैब देखने को मिल जाता है, जहाँ पर जाने के बाद आप लोग बटन्स या
जेस्चर को यूज कर सकते हैं। तो पहले ये ऑप्शन हमें कहीं और देखने को मिलता था, पहले हमें ये ऑप्शन हमारे एडिशनल सेटिंग में देखने को मिलता था। अगर आप एडिशनल सेटिंग में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन पहले देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया होम स्क्रीन के अंदर में, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हमारे लॉन्चर में ही देखने को मिलता है, इस वजह से इसको लॉन्चर में ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और यहीं से आप लोग जेस्चर और बटन को स्विच कर सकते हैं। अगर बटन चाहते हैं आप लोग तो बटन पर टैप करके लो बटन यूज कर सकते हैं, और अगर जेस्चर चाहते हैं आप लोग तो जेस्चर वाले ऑप्शन पर टैप करके आप लोग जेस्चर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें ही होम स्क्रीन में हमें एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर, अरेंज आइटम इन रिसेंट। तो अगर आप लोग रिसेंट मेन्यू में जाएंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है iOS 14 या फिर जो एंड्रॉयड की स्टॉक रोम में हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से रिसेंट मेन्यू उस तरह से आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। या फिर आप लोगों को MIUI 12 की जो ओल्ड वाली रिसेंट पैनल है उस तरह चाहते हैं आप लोग तो वर्टिकली कर देंगे तो हमें यहाँ पर वर्टिकली देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह की हमें ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये हॉरिजॉन्टली की बात कर लेते तो आप लोग साइड लोड करके APK को अपने फोन में इंस्टॉल करके इसे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप APK को यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपके फोन की जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो क्रैश करना स्टार्ट कर जाए, कभी कभी ऐसा होता है। अगली चेंजेस की दोस्तों बात कर लेते तो हमें देखने को मिलेगा गेम स्पेस। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन या फिर आप लोग अपने फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्पेशल फीचर्स में जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को गेम टर्बो या फिर गेम स्पेस के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर गेम टर्बो देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले कुछ अपडेट्स में यहाँ पर हमें गेम स्पेस के नाम से ये नाम चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे हम लोग इस गेम टर्बो को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को गेम स्पेस लिखा आता है। तो गेम स्पेस लिखा आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फोन में जब गेम टर्बो या गेम स्पेस 3.0 की सपोर्ट मिलेगी तो उसमें हमें वॉइस चेंजर के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो हमें देखने को मिलेगा कैमरा में। तो हम लोग कैमरा में जाएंगे और कैमरा में जाने के बाद हम मोर वाले टैब पर जाते हैं तो पहले हमें हमें सिंपल यहाँ पर लुक देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक टैब यहाँ पर ऐड कर दिया गया। इस टैब को टैप करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी फंकी लुक हमारे फ़ोन में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन आपको सारे सेम ही देखने को मिलता है, सिर्फ आप लोग को यहाँ से टैब उसको चेंज कर सकते हैं। आप लोग को ओल्ड वाली यहाँ पर टैब चाहिए या फिर न्यू वाली चाहिए तो न्यू वाले दोस्तों यहाँ पे काफी फंकी लुक हमारे फोन में प्रोवाइड कर देता है, देखने में दोस्तों काफी अच्छा लगता है, लेकिन आइकन छोटे छोटे होते तो और भी अच्छा लगता है। खैर चेंजेस तो हमेशा होते रहते हैं, अपडेट्स आते हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलता रहता है। तो कुछ इस तरह के हमें ऑप्शन हमारे कैमरा में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों कैमरा की बात कर लिया तो हम लोग गैलरी में भी चल जाते हैं। अब दोस्तों गैलरी में जाते हैं तो हमें गैलरी में बहुत से ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे ऑप्शन आप APK की मदद से यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल हमारे अपडेट में देखने को मिलने वाला है। ऑफिशियल कब तक मिलेगा मैं उसकी जानकारी आप लोग को दे दूँ, तो उससे पहले मैं आप लोग को ये फीचर्स के बारे में बता दूँ। तो फीचर दोस्तों जैसे आप लोग कैमरा गैलरी को ओपन करेंगे तो ओपन करने वाले दोस्तों हमें, अगर आप लोग गैलरी में एडिटिंग वगैरह करते हैं, जो लोग गैलरी में एडिटिंग करते हैं उनके लिए दोस्तों ये फीचर्स काफ़ी हैंडी होने वाली है। तो सबसे दोस्तों हम जो वाटरमार्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो उसे आप लोग यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एडिट पर जाएंगे, एडिट पर जाने के बाद हमें यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कभी कभी गलती से आप लोग को ऐसी फोटोज़ को कैप्चर कर लेते हैं जहाँ पे आप लोग वाटरमार्क की जरूरत नहीं होता है तो वहाँ पे आप लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे फ़ोन से ये रिमूव हो चुका है। बाकी अगर आप लोग को ऐड फिर से करना है तो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ऐड जब कर देंगे या फिर आपकी जो वाटरमार्क यहाँ देखने को मिलता है उस पर टैप करने के बाद आप लोग इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग राइट लेफ्ट ऊपर लेफ्ट ऊपर नीचे जहाँ भी आप लोग को मन करें वहाँ पर आप लोग इसे स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और अभी जो ये देखने को मिल रहा है सिर्फ आप लोगों को बीटा में देखने को मिल रहा है, स्टेबल में जल्दी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर स्काई फिल्टर में जाएंगे तो स्काई फिल्टर में हमें बहुत से यहाँ पर फिल्टर्स देखने को मिल जाती है, सनी इवनिंग नाइट डायनेमिक, तो बहुत से फिल्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डायनेमिक में हमें यहाँ पर डायनेमिक मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आप लोग जाएंगे मोर पे, तो मोर पे जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिकॉग्नाइज टेक्स्ट। अगर आप लोग इस पर टाइप करेंगे तो आपकी इस फोटो में जहाँ भी कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करके उसकी एक नोट पैड बना देगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक नोट पैड बन गया। और दोस्तों आप लोग इस नोट पैड को यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन में आपके फोटो में कुछ भी यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ आप उसे यहाँ पर इजिली सिर्फ वन टैप की मदद से यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्रिएट PDF की। तो PDF दोस्तों आप लोगों को पता है किसी भी बड़े साइज को यहाँ पर छोटा कर देता है और उसे हम लोग एज ए डॉक्यूमेंट किसी को भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग किसी भी फोटोज को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोग इस मोर ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ पर क्रिएट PDF करेंगे तो कुछ इस तरह की आप लोग .PDF फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसे रीनेम भी कर सकते हैं, यहीं से आप उसे सेव कर सकते हैं और यहीं से आप उसे सेंड भी कर सकते हैं। तो PDF फाइल को आप लोग अपने डायरेक्टली अपने फोन की गैलरी एप्लीकेशन से आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को किसी
थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के दोस्तों काफी सारे हमें फीचर्स हमें इंडिया में ग्लोबल में जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं सुपर वॉलपेपर की। तो आप लोग सुपर वॉलपेपर अपने फोन में यूज करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सुपर वॉलपेपर में तीन ऑप्शन, तीन वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। आप लोग किसी भी वॉलपेपर को चूज करके अपने फोन में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद दोस्तों अगर आप लोग के फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट मिलता है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे फोन में ये काम करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है सुपर वॉलपेपर। लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो वहाँ देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छी एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और जब अपने फोन को अनलॉक करेंगे दोस्तों वहाँ पर हमारे होम स्क्रीन पर भी काफ़ी अच्छी एनिमेशन के साथ में यहाँ देखने को मिल जाता है। तो सुपर वॉलपेपर की सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जो हमें ये वॉलपेपर देखने को मिल रहा है ये सिर्फ अमोलेड डिवाइसेस में काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग अपने किसी भी फोन में सुपर वॉलपेपर को यूज़ करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, तो आपके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर वो काम करेगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप लोग मेरी वो वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो सुपर वॉलपेपर की सपोर्ट तो हमें सभी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ अमोलेड जो डिवाइसेस उसमें देखने को मिलता है। बाकी आप लोग इसे मैनुअली अपने फोन में इनेबल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये वाली वॉलपेपर नेबुला वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों जो वॉलपेपर देखने को मिल रहा है इसके लिए आप लोग को अपने वॉलपेपर सेक्शन में जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ वॉलपेपर में दिखा देता हूँ तो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर सिस्टम वॉलपेपर में जाएंगे तो यहाँ पर नेचर पैटर्न, ज्योमेट्री और यहाँ पर डायनेमिक नेबुला देखने को मिल जाता है जो अभी मैं अपने फोन में यूज़ कर रहा हूँ। तो डायनेमिक नेबुला में हमें तीन तरह के वॉलपेपर देखने को मिलता है, जिसे कोई भी वॉलपेपर आप लोग चूज करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनिमेशन आपको देखने को मिलता रहता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एनिमेशन आप लोग को इस वॉलपेपर में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फीचर्स हमें नेबुला वॉलपेपर की जो फीचर्स देखने को मिल रहा है ये अभी के लिए सिर्फ बीटा रोम में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बीटा रोम अपने फोन में यूज़ करते हैं, शाओमी डॉट ई रोम को या फिर चाइना बीटा रोम को यूज़ करते हैं, तो आपके फोन में ये नेबुला वाला ऑप्शन ऑफिशियली देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग अगर अपने फोन में इसे अलग से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या फिर आप लोग हमारे वीडियो को चेक करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो लिस्ट को जरूर से चेकआउट किया करिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये वाली अपडेट हमारे फ़ोन में कब तक देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर सेटिंग में लेकर अबाउट फोन में दिखाता हूँ। तो अबाउट फोन में अभी जो वर्सन हमें देखने को मिल रहा है 12.0.3, ये मेरे फ़ोन का वर्सन है। लेकिन जो स्टार्टिंग का आपको दो पॉइंट देखने को मिला 12.0, तो अभी जो सीरीज चल रहा है हमारे फ़ोन में जो MIUI की अपडेट ग्लोबल में फिर इंडिया में चल रहा है वो 12.0 की सीरीज में चल रहा है। और दोस्तों जो हमें अपडेट ये सारे फीचर्स देखने को मिला वो आपको 12.1 या फिर 12.2 की अपडेट में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे फीचर हमें बीटा में देखने को मिल रहा है, तो बीटा में अभी जो करंट वर्जन हमें देखने को मिलता है वो है 20.11.11। देख सकते हैं मैं यहाँ पर पोको एक्स में बीटा वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग को 20.11.11 देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर शाओमी डॉट यू यूज़ करेंगे आप लोग तो वहाँ पर आप लोग को क्लियरली मैंशन किया गया है जो 20.11 वाला जो अपडेट होगा हमें 12.2 की सीरीज में देखने को मिल जाता है। यानी इंडिया में जो हमें अपडेट मिलेगा ये सारे फीचर देखने को मैंने आपको बताया है वो आपको 12.1 या फिर 12.2 की जो सीरीज मिलेगी, जो अपडेट मिलेगी तो उसमें देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये अपडेट हमें तकरीबन 1 से 1.5 महीना या 2 महीना के अंदर में हमारे फ़ोन में धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और दोस्तों ये सारे जो फीचर्स मैं आपको बताया हूँ ये मैं आप लोग अपने पोको एक्स टू में बताया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे फीचर्स आप लोग को पोको एक्स टू में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फीचर्स आप लोग को हमें उन सभी डिवाइसेज में देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट है और हाई एंड डिवाइसेज है, जैसा कि रेडमी नोट की जितनी भी सीरीज है, नोट 7 के बाद से नोट 7, नोट 8, नोट 9 जितनी भी सीरीज है, या फिर जितनी भी अपकमिंग नोट 10 की जो सीरीज होगी या फिर नोट की जो सीरीज होगी उसमें देखने को मिलेगा। रेडमी के सीरीज में देखने को मिलेगा और पोको सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों पोको सीरीज की बात कर लेते हैं तो पोको X2 में मिलेगा, पोको X3 में मिलेगा और पोको M2 प्रो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं पोको F1 की, तो काफ़ी पुरानी दोस्तों वो डिवाइस हो चुका है। और पोको F1 में दोस्तों मुझे बहुत ही कम चांस लगता है कि उसमें हमें ये सारे फीचर देखने को मिलेगा, क्योंकि पोको 1 में ऐसे ही हमें अपडेट जो मिलेगा वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर मैं किसी डिवाइस का नाम लेना यहाँ पर भूल गया हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके ज़रूर बता देना। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके ज़रूर से बता देना ताकि मैं आप लोगों के कमेंट को यहाँ पर पिन कर सकूँ, फीचर्स कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा देना ताकि मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले देखने को मिल जाए।